के साथ 1965 के युद्ध की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भारत को धमकी दी है। बाजवा ने कहा है कि बॉर्डर पर बही खून की एक एक बूंद का पाकिस्तान सेना बदला लेगी। वहीं इस मौके पर कश्मीर के लोगों का जख्म कुरेदते हुए जनरल बाजवा ने इसे आज़ादी की लड़ाई करार देते हुए कश्मीरियों की कुर्बानी के लिए सलाम भेजा। बाजवा ने कहा कि पिछले 2 दशक से युद्ध के तरीके बदल गए हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की रक्षा में देश ने अब तक हजारों सैनिक खोए हैं, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, पाकिस्तान बदला लेगा। बता दें 1965 के युद्ध को पाकिस्तान रक्षा दिवस के तौर पर मनाता है। इस मौके पर नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और अपने पड़ोसियों और पूरी दुनिया के साथ समानता के आधार पर पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। बहरहाल बाजवा की इस धमकी का भारत क्या जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। नवोदय टाइम्स ब्यूरो की रिपोर्ट।